जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं आशुतोष। दोस्तों आपको पता है रेलवे जूनियर इंजीनियर का आपका एग्जाम आप समाप्त हो गया है, तो अब देखते हैं कि सबसे सटीक कट ऑफ कितना हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्वे कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम में सर्वे डाल दिया है, आपको कैसे सर्वे में इन्वॉल्व होना है लो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में आपको बताऊंगा सर्वे में कैसे इन्वॉल्व होना है। आपको ही वोट देना है जिससे कि सबसे सटीक कट ऑफ आपको पता चले कि लोगों के एग्जैक्टली मार्क्स कितने आ रहे हैं। और साथ में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप जरूर कमेंट में बताएं, जिससे कि मेरे को काफ़ी हेल्प मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो काफ़ी जितना सैंपल बड़ा रहेगा, कल मैं सर्वे लेकर आ रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने सर्वे डाल दिया है, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो। टेलीग्राम में मैं आपको बताऊंगा कैसे जुड़ना है। इसके पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, तो दोस्तों मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, मैं ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आपका 62 से लेके 68 तक आ रहा है, 62 से लेकर 68 तक आ रहा है किसी भी जोन में हो, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा अगर लो जोन होगा तो वहाँ 62, 63, 64 जा सकता है, ज़्यादा हाई जाएगा तो 68 से 70 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, इसमें आपका CBT-1 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं जनरल का, जो दोस्तों मैंने बताया था आपको 62 से 68। ठीक है, ओबीसी का देखते हैं दोस्तों, ओबीसी का जो आपका कट ऑफ जाएगा दोस्तों वो लगभग आप में मान के चलिए कि 58 से लेके 63 तक जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, अब बात करते हैं एससी का, तो एससी का दोस्तों 55 से लेके 61 तक जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी का, तो दोस्तों एसटी का जो है वो 52 से लेके दोस्तों 58 तक जाने वाला है। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये आपका ओवरऑल जोन जितने भी जोन आते हैं तो उनका ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इतने तक ही अगर आपके नंबर आ रहे हैं दोस्तों आप अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दे सेकेंड राउंड में, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 62 जाएगा किसी जोन में, 63 जाएगा किसी जोन में, 64 जाएगा किसी जोन में, 68 जाएगा, वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपके इतने नंबर इस बीच में आ रहे हैं तो आप अपनी बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम क्या देखते हैं कि आपको सर्वे में कैसे इन्वॉल्व होना है, और उस सर्वे का वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आपको कैसे करना है, आपको टेलीग्राम में जाना है। कैसे टेलीग्राम में जाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक रास्ता ये है टेलीग्राम में कि आप मेरे लिंक्ड, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में ज्वाइन कर रखे होंगे। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं, और अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए कैसे मैं सर्वे ले रहा हूँ, आप मेरा सर्वे देखिए एक बार कि सर्वे मैं कैसे ले रहा हूँ, एक बार अच्छे से देखिए। तो एक बार देखते हैं कि सर्वे कैसे दोस्तों मैं ले रखा हूँ, वो भी आप देखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सर्वे कैसे होगा, तो उसको भी देखते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये रेलवे का चैनल है, आप देख सकते हैं मेरे रेलवे का चैनल में, इसमें 54,000 के करीबन लोग जुड़े हुए हैं। ये मेरा चैनल है, आप देख सकते हैं, ये लिंक है रेलवे का, तो आप देख सकते हैं इसमें सर्वे में कैसे लोग इन्वॉल्व हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं सर्वे ऑलरेडी ले रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि मैं सर्वे ऑलरेडी ले रहा हूँ, तो आप भी इस सर्वे में आइए और इन्वॉल्व होइए। ठीक है, ये देखिए मैं सर्वे ऑलरेडी ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं सर्वे ले रहा हूँ, तो आप भी इस सर्वे में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सर्वे डाला है, अब ये रात में काफ़ी लोग में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और आप भी इसमें जुड़िए। ठीक है, तो दोस्तों इतना कट ऑफ जाने वाला है, वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं सर्वे लेकर आ रहा हूँ, कल सुबह शायद आपको सर्वे मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।